हमारे देश में प्राचीन समय से ही विशिष्ट अवसरों पर उत्सव मनाने और मेला आयोजित करने की परंपरा रही है। पूर्वजों से मिली इस विरासत की झलक प्रायः देश के हर एक हिस्से में हमें देखने को मिलती है। पारंपरिक तौर पर ये मेले प्रायः धार्मिक पर्व एवं त्योहारों के अवसर पर ही आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कारण इन मेलों के वातावरण में उत्सव का उत्साह के साथ साथ श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत मेल भी दिखाई देता है। हमारे भारतीय मेलों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति और परंपरा उभर कर सामने आती है जिस क्षेत्र में ये आयोजित किए जाते हैं। छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रांची शहर से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर के आसपास ऐसा ही एक मेला सदियों से आयोजित किया जाता रहा है, जिसकी अपनी विशिष्टता और अपना आकर्षण है। जिस तरह पुरी की रथ यात्रा की शोभा देखने के लिए श्रद्धालुओं के अतिरिक्त देश विदेश के पर्यटक भी वहां जाते हैं, उसी प्रकार रांची स्थित जगन्नाथपुर में रथ यात्रा की शोभा और यहां आयोजित मेले का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में चारों ओर जन समुद्र सा उमड़ा दिखाई देता है। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और तमाशबीनों का आना दिन चढ़ते ही आरंभ हो जाता है। सुदूर ग्रामीण इलाकों से आने वाले इक्का दुक्का लोगों का यह हुजूम दोपहर होते होते एक विशाल जनसमुद्र में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभिक दिनों में इस मेले की प्रकृति कितनी सहज और ग्रामीण रही होगी, इसका तो मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है। परंतु आज के आधुनिक युग में भी इस विशिष्ट मेले की प्रकृति और स्वरूप में शायद बहुत अधिक अंतर नहीं आया है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको ग्रामीण परिवेश से जुड़ा सहज मनोरंजन बोध स्पष्ट दिखाई देता है। सीधे सादे लोग, भोले भाले चेहरे, जिनके जीवन की एक प्रमुख घटना यहाँ की रथ यात्रा में सम्मिलित होना है। इसके पीछे एक पंथ दो काज की मनोवृत्ति काम करती है, अर्थात मनोरंजन का मनोरंजन और जगन्नाथ जी के दर्शन कर पुण्य लाभ करना। रथ यात्रा आरंभ होने से पूर्व श्रद्धालु और भक्तगण जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर स्थल की ओर जाते हैं। इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण स्थल एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित रहने के कारण दर्शनार्थियों को वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तय करके जाना पड़ता है। अनिल कुमार, अनिल कुमार,
मंदिर स्थल से नीचे शांत फैले धान के हरे भरे खेतों का विस्तृत फैलाव मन में अपार शांति और सुकून का भाव उत्पन्न करता है और इच्छा होती है कि पल दो पल वहां बैठकर इस अनुभव का आनंद उठाया जाए। जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के अंदर का परिसर हालांकि भव्य और विशाल नहीं है, लेकिन इसके प्राचीन बाहरी दीवार के अवशेष देखकर किसी किले के होने का भ्रम सहसा मन में उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि मंदिर निर्माण काल में इसकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया था। मंदिर का आंगन विस्तृत न होने के कारण रथ यात्रा से पूर्व दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मंदिर के मुख्य द्वार को समय समय पर बंद कर दिया जाता है ताकि नियंत्रण रखा जा सके। जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसका संबंध तत्कालीन बड़कागढ़ स्टेट के पूर्व शासकों से जुड़ा है। गौरतलब है कि छोटा नागपुर के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का संबंध इस राज परिवार से है और उन्हीं के पूर्वज ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने इस मंदिर की स्थापना 1691 ईस्वी में की थी। छोटनागपुर की इस रथ यात्रा एक ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने अपने जीवन काल में इसको एक बहुत महत्वपूर्ण बनाया, एक मंदिर बनाया ऊंचा पहाड़ी में, और आषाढ़ द्वितीया में यहाँ मेला लगाने की प्रचलन हुई और रथ यात्रा जैसे पुरी में होता है वैसे ही पुरी कर ऐसे ही रथ यात्रा निकलता है। यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये सब मिलकर के रथ पर आरूढ़ होते हैं और मोसीबाड़ी को जाते हैं। ये और एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ये दूर दराज से आते हैं लोग। उस समय तो रांची उतना विकसित नहीं था, दूर दराज से लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, जैसे किसान का हल फाल छाता वगैरह वगैरह, और भी बहुत छोटे छोटे चूड़ी उड़ी गहना उहना ये सारे चीज़ यहाँ मिल जाते हैं सस्ते उपलब्ध में एक ही जगह, इसलिए दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर लेते थे। उस जमाने को याद करते हैं जब हम लोग छोटे थे तो बैलगाड़ी में चढ़ के आते थे, अभी तो सबका मोटर गाड़ी हो गया है, उनको याद है, वो लोगों को याद है मड़वारी और ये सब सारे आते थे। कोई पीठ में चढ़ के आता था अपनी माँ के गोदी में, कोई कांध में चढ़ के बाप का कांध में चढ़ के आता था, इस तरह से लोग आते थे। और अब तो विकसित हो गया है, विकसित होने पर तो मोटर गाड़ी बस ट्रेन ये सब आ रहे हैं। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दोपहर बाद प्रायः 4 बजे आरंभ होती है। इससे पूर्व रथ को मंदिर के निकट एक स्थान पर लाकर रखा जाता है, जहां श्रद्धालु अपने हाथ में पुजारी से विशिष्ट धागा बंधवाते और टीका लगाते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। उधर मेला अपने संपूर्ण यौवन पर होता है, लेकिन मेले में घूम घूम कर थक चुके कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते दिखते हैं और वहीं कुछ दोपहर की धूप की चिंता किए बिना मेले का आनंद उठाने के लिए आतुर दिखते हैं। मेला क्या है? भानुमति का पिटारा है। यहां बच्चों और बड़ों की शौकिया चीजों के साथ साथ भविष्य बताने वाले अनाम साधु
रंग बिरंगे गुब्बारे और विभिन्न रूप धारण करने वाले बहुरूपिया तक मिल जाएंगे। इसमें जनजातीय पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्रों के अलावा घर गृहस्थी का साजो सामान, श्रृंगार सामग्री और ऐसी ऐसी सामग्री मिलती है जिसका शायद आप नाम और उपयोग भी न जानते हों। जगन्नाथपुर मेले के जिस हिस्से में जनजातीय पारंपरिक वाद्य यंत्र और ग्रामीण उपयोग की अन्य सामग्रियां मिलती हैं, वहां का वातावरण बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है। कोई मछली फंसाने वाले कुमनी का मोल तोल करता दिखाई देगा, तो कोई खजूर के पत्ते से बनी चटाई की लंबाई चौड़ाई नापता मिल जाएगा। इस मेले में मांदर, नगाड़ा, ढोलकी जैसे पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र खरीदने का मजा ही अलग है। खरीदार इन्हें खरीदने से पहले ठोक पीट और बजा कर देख लेता है कि बाजे में कुछ दम भी है या नहीं। मेले के आरंभिक दिनों में इस मेले की प्रकृति संपूर्ण रूप से जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा और विरासत की परिचायक थी, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ यहाँ भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और इसका झुकाव व्यावसायिकता की ओर हो रहा है। शायद बदलते परिवेश की यही मांग है। हाँ, व्यवसायिक तो हो गया है, धीरे धीरे लोगों में एक जागृति हो गई, जो यहाँ पर मिल जाते हैं सामान उतना सस्ता अब नहीं लगता है। रांची में और भी जगह जगह पर दुकान में ये लोहे का सामान और जितना छाता उत्ता जितना सारे सामान हैं, कमीच उमीच, ये सब सस्ता उधर पड़ते हैं, तो व्यवसायिक ऐसे यहाँ पर तो लगता है कि जितना से जितना आदमी को किसी तरह से लोग लें, ऐसी फिक्र में सब आता है। मेला उला में देखिए झूला उला भी है, ये सब व्यवसाय कर रहे हैं, समय की मांग है। दोपहर बाद सूरज जब एक ओर झुकने लगता है, तब रथ के श्रृंगार की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं और रथ को फूल मालाओं से सजाया जाता है। तब लोगों की भीड़ धीरे धीरे रथ के आसपास जमा होने लगती है। कुछ देर बाद जब रथ का श्रृंगार पूरा हो जाता है, तब पहाड़ी पर बने मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित मौसी बाड़ी तक की यात्रा के लिए मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां संपूर्ण अनुष्ठान पूर्वक रथ की ओर लाई जाती हैं, ताकि उन्हें रथ पर बिठाया जा सके। इस वातावरण से इधर कुछ लोग भाव विह्वल हो उन्मादित हो उठते हैं। भगवान जगन्नाथ के वर्तमान स्वरूप से संबंधित कथा है कि मालवा के राजा
इंद्रद्युमन को स्वप्न आया कि वे विष्णु के उस रूप की पूजा करें जिस रूप की पूजा जंगल में कोल भील किया करते थे। स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से राजा जंगल में निकल पड़े। वहां उन्होंने विश्वासु नामक वनवासी पुजारी को काठ से बनी मूर्ति की पूजा करते देखा। राजा ने मूर्ति लेनी चाही, परंतु विश्वासु ने मना कर दिया। राजा क्रोधित हो गए और उसे बंदी बना लिया। परंतु ज्यों ही मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया, मूर्ति गायब हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि उन्हें समुद्र में बहता हुआ बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा और मूर्ति